नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पर। मैं पूनम आपके साथ। साल 2023 में गदर 2 से बॉक्स ऑफिस के कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ने के बाद अब सनी देओल अपनी अपकमिंग फिल्म सफर की तैयारी में लग गए हैं। इस फिल्म में सनी के बाद अब सलमान खान की भी एंट्री हो चुकी है। हालांकि सलमान इस फिल्म में सिर्फ कैमियो रोल करेंगे। रिपोर्ट्स की माने तो वो जनवरी में फिल्म सफर की शूटिंग करेंगे। सफर एक बेहद दिल छूलेने वाली फिल्म होने वाली है, जो सनी देओल और एक चाइल्ड आर्टिस्ट की अलग अलग मुश्किलों से भरे सफर की कहानी होगी। सनी देओल चाहते थे कि सलमान फिल्म में कैमियो करे। इसके लिए उन्होंने खुद कॉल कर उनसे कैमियो की रिक्वेस्ट की थी। सलमान खान कॉल पर ही फिल्म के लिए राजी हो गए। रिपोर्ट के अनुसार सलमान खान जनवरी 2024 में फिल्म सफर की शूटिंग करेंगे। उनका शूटिंग शेड्यूल महज एक दिन का होगा। फिल्म में सलमान रियल लाइफ के सुपरस्टार सलमान खान बनकर ही नजर आएंगे। सलमान और सनी देओल अच्छे दोस्त हैं, जहां एक तरफ सलमान खान सनी के बेटे करण देओल की शादी में पहुंचे थे, वहीं गदर 2 की भी उन्होंने जमकर तारीफ की थी। सनी भी अपनी फिल्म का प्रमोशन करने सलमान खान के शो बिग बॉस में पहुंचे थे। इससे पहले भी दोनों जीत में 7 स्क्रीन शेयर कर चुके हैं। सनी देओल की अपकमिंग फिल्म सफर को साल 2024 में रिलीज करने की तैयारी है। इस फिल्म को विशाल राणा एकलॉन प्रोडक्शन बैनर तले प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा सनी देओल फिल्म लाहौर 1947 में भी नजर आने वाले हैं। सनी देओल के पास इन दिनों एक अनटाइटल फिल्म भी है। कुछ दिनों पहले ये भी खबर थी कि 2024 के आखिर तक सनी देओल ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉर्डर के सीक्वल पर भी काम शुरू करेंगे। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।